सकते पहला क्वेश्चन में क्या रूल है भाई। इसमें रूल ये कहता है कि ध्यान रखिएगा, ये रूल कहता है कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से, ठीक है ना, कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से क्या पता चले, चॉइस या फिर ऑप्शन, है ना, का बोध हो, चॉइस और ऑप्शन का बोध हो, तब उसके पहले क्या करेंगे, इस कंपरेटिव डिग्री के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देख रहे हैं, वन ऑफ द टू आंसर्स, दिस इज़ डेफिनेटली बेटर, मीन्स कि दो आंसर दिया गया जिसमें से एक काफ़ी अच्छा है, मीन्स कि बेटर है ना। तो ये जो बेटर देख रहे हैं ये है क्या है, यहाँ पे कंपरेटिव डिग्री है, कंपरेटिव डिग्री है ना। इस कंपरेटिव डिग्री के पहले मैंने क्या बताया कि आप यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, ठीक। तो इस तरह से एरर आपको फाइंड आउट करना, साथ ही साथ रूल भी सीखना था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रूल क्या मिला कि अगर कंपरेटिव डिग्री से ऑप्शन या चॉइस का पता चले या फिर ऑफ द टू लिखा रहे सेंटेंस में, इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि ऑफ द टू लिखा रहे और कंपरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया, उसके पहले हम डेफिनेटली द का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू, फिर से ऑफ द टू का यूज़ किया गया, उसके पहले यहाँ पे देख रहे हैं कंपरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया, और मैंने अभी बताया कि कंपरेटिव डिग्री के केस में आप क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, मीन्स आर्टिकल यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट रूल सीख लिया आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। कहने का मतलब ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अपने समय में काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट था बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उनकी पहचान जो है काफ़ी कम लोगों में के बीच में उभर के आई, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है रूल का, ठीक है, बात यहाँ पे होगा रूल का, एरर कहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, आपने पढ़ा होगा गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। उस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बेस्ट के पहले यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको क्या लगाया गया, द का यूज़ किया गया, सही है, ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, लिस्ट रिकॉग्नाइज, यहाँ पे देख रहे हैं कि लिस्ट ये भी क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और लिस्ट के पहले आप क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, मीन्स कि द लिस्ट करेंगे, है ना, ठीक। लिस्ट यहाँ पे आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले आप द का यूज़ करेंगे, है ना, चलिए। और इसका अगर कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री का आप चैप्टर पढ़ लें, वहाँ पर बहुत सारे जैसे कि वर्ब होंगे उससे, है ना, सॉरी एडजेक्टिव होंगे जिसका आपका कंपैरिजन वहाँ पे दिखेगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ रूल आपने सीख लिया कि रूल क्या सीखा आपने, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ही सेड दैट ही फेल्ड नर्वस, ठीक है, ही सेड दैट ही फेल्ड नर्वस, पास्ट टेंस की बात कहा गया है, पास्ट टेंस यहाँ भी झलक के सामने आ रहा है, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम, ठीक है, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम, ठीक है भाई, पास्ट का जो है कंटिन्यूटी की बात की गई है, अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम, ठीक है, क्या दिया भाई, अ वेरी बैड न्यूज़, ठीक है, आपको देखने से लग रहा है कि ये न्यूज़ एस लगा हुआ है तो आप समझेंगे कि प्लोरल है, गलत, ठीक है, हालांकि ये देखने में प्लोरल लगता है पर ये प्लोरल नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या बताया गया, रूल कहता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है ना, किसका यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, ए हटाएंगे यहाँ से, जैसे कि न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारे और भी वर्ड हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन भी होता है, तो ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, सीनरी हो गया, तो ये जो जितने भी वर्ड मैं बता रही काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए, इन्फॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, सीनरी हो गए, है ना, तो ये सब नोट कर लीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, आर्टिकल क्या होगा, नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। नोट करने वाली बात ये है, इसमें रूल ये कहता है, रूल नंबर
इसमें क्या कहता है सुन लीजिए, है ना। पहले तो आप नोट कर लीजिए, जैसे टाइप ऑफ हो गया, ठीक है, काइंड ऑफ हो गया, टाइप ऑफ हो गया, काइंड ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया, ये तीन चीज़ आप नोट कर लीजिए पहले, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो नाउन आएंगे, ठीक है, इसके बाद जो नाउन आएंगे उसके पहले, इस नाउन के पहले, इसके बाद जो नाउन आएंगे और इसके पहले क्या होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इसके पहले जो नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, है ना। क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, के बाद होने वाले नाउन के पहले, इसके बाद, जैसे देखिए टाइप ऑफ के बाद क्या कहा गया है, ये टाइप ऑफ है, मैंने बताया कि टाइप ऑफ के बाद अगर यहाँ पे कोई नाउन होगा, ठीक है, तो नाउन के पहले क्या, यहाँ पे मैंने बताया कि ए, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ए जो है आर्टिकल का यूज़ मैंने क्या बताया, नहीं होगा, यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो काइंड ऑफ हो चाहे सॉर्ट ऑफ हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ही बूस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो सकता है और क्या एरर हो सकता है, ठीक, समझने वाली बात है ये। देखिए सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे नोट कर लीजिए, नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, ठीक है, ये जो नॉलेज देख रहे हैं, नॉलेज का अगर ज्ञान के अर्थ में है, ठीक है, अगर ज्ञान के अर्थ में है तो ये क्या है भाई, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होगा तो पहले पता है कि इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, अनकाउंटेबल है तो के पहले क्या नहीं यूज़ होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये तो हो गया ज्ञान की बात, हो जब ज्ञान के सेंस में हो, ठीक है, ज्ञान के अर्थ में हो तो अनकाउंटेबल होता है और इसके पहले क्या होगा, आर्टिकल का नहीं होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल भी आप नोट करते, जैसे कि नॉलेज, कि एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है, नॉलेज इज़ पावर, तो ज्ञान के सेंस में यूज़ किया गया, लेकिन अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, है ना, नॉलेज के पहले क्या आ जाए, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, अगर नॉलेज के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले हम ए या एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हैविंग अ, यहाँ पे होगा ए गुड नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए गुड नॉलेज, ठीक है, और अपने आप में ये हैव अ गुड नॉलेज एक idiomatic भी है, ध्यान रखिएगा। एक तो इस ये रूल हो कहलाया, रूल ये कहलाया कि भाई अगर नॉलेज हो, नॉलेज का के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव पहले ए लगाएंगे, है ना, ये कहता है रूल। सेकंड रूल कहता है, सेकंड रूल ये ध्यान रखिएगा कि अपने आप में ये क्या है, idiomatic है, हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है, हैव अ गुड, के एन ओ डब्ल्यू एल ई टी सी, हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है, अपने आप में क्या idiomatic है, तो इसलिए यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, है ना, लेकिन ज्ञान के अर्थ में तो यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया नॉलेज इज़ अ पावर। नेक्स्ट है, ही जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होम वर्क सिंसियरली। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ होता है गो टू अ स्कूल, ठीक है, एक होता है गो टू द स्कूल, दोनों में अंतर क्या है, अगर आप द वाला यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, ये आपका कोई आपका मौलिक काम नहीं है, ठीक है, मौलिक उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। अगर आपके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं तो गो टू द स्कूल, क्योंकि वो कभी कभार किसी कारण से कोई काम से जाते हैं, लेकिन आपकी बात की जाए, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप गो टू स्कूल जाएंगे, क्योंकि आपका एक मौलिक उद्देश्य है, ठीक है, क्योंकि आपका एक मौलिक कार्य है, ठीक है, तो मौलिक कार्य के लिए हम क्या करेंगे, गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए जॉन को सजेस्ट किया गया, उसका भाई जो है सजेस्ट किया है भाई कि दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है, तो ये जो द है इसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, कि भाई जॉन जो डेली स्कूल जाता है, स्टूडेंट जो होते हैं डेली स्कूल जाते हैं, कोई खास पर्पस ऐसा नहीं कि किसी महीने में कभी कभार चले गए, ऐसा होता नहीं है, पेरेंट्स जाते हैं उनके लिए द का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए सेम ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आया है,
देखिए यहाँ पे रिटर्निंग फ्रॉम द जेल दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, यहाँ पे जो लिखा गया रिटर्न फ्रॉम जेल और रिटर्न फ्रॉम द जेल, दोनों में अंतर क्या है? रिटर्न फ्रॉम जेल हो गया, ठीक है, और एक हो गया भाई रिटर्न फ्रॉम द जेल। अब फिर से मैं बताया द के लिए क्या होगा, कोई खास काम के लिए, कोई कार के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो भाई एक क्या है, इसका मौलिक काम है कि जेल में सजा काट के लौटा है, सजा काट कर लौटा, ठीक है। लेकिन ये क्या है भाई, यहाँ पे कोई कार करने के लिए गया था, ठीक है, कोई कार्य करके जेल से लौटा। हो सकता है कि कोई कैदी होगा, उसका कोई फैमिली होगा, उसको खाना पहुँचाने गया होगा, वापस लौट आया, तब वहाँ पे हम रिटर्न फ्रॉम द जेल करेंगे। लेकिन जो कैदी है, कैदी के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न फ्रॉम जेल। तो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबैंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इज़ डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे बात हो रहा है क्रिमिनल की, बात हो रही है, तो क्रिमिनल क्या है, यहाँ पे जो एक्टिविटी किया है, ठीक है, वो जो गलत काम किया है उसके लिए उसको जेल हुआ है। तो जो कैदी है ना, उसके लिए तो द का यूज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये द कैदी तो भाई उसका वो मौलिक कार्य था उसका कि भाई गलत किया सजा काटेगा ही काटेगा, कोई खास काम करके वापस आया तो नहीं है, है ना। तो ध्यान रखिए द नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन में कि दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर। देखिए पुट द लाइफ्स, यहाँ पे एक चीज़ इसको आप इरेज कर लीजिएगा, दो बार मिस रिपीट हो गया टाइप। तो कहने का मतलब लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर, इन डेंजर ध्यान रखिएगा, ये जो है इन ए डेंजर नहीं होता बल्कि इन डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि ये एडियम है और एडियम में कभी भी हम एडियम को क्या करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते, उसके साथ कोई आर्टिकल वर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन डेंजर होता ना कि ये इन डेंजर होगा, इन अडेंजर नहीं, इन डेंजर, ठीक है, इन डेंजर। ऐसे कई सारे और भी वर्ड जैसे कि आप लिख सकते हैं, इन ट्रबल भी लिख सकते हैं, इन ट्रबल हो गया, इन डेप्ट हो सक, इन डेप्ट होता है, उसके साथ भी कभी नहीं यूज़ करते हम लोग, DEBT डेप्ट, इन डिटेल करते हैं, इन अ डिटेल नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये सब ये जितने भी वर्ड हैं आपके डीएमटी के हेडियम है, इन फैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड मैंने बताए, इन ट्रबल, इन डेप्ट, इन डिटेल, इन फैक्ट, इनके साथ कभी भी अ का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। चलिए सवाल आते हैं नेक्स्ट पे, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेंस इन टेम्पर दिस डे, ठीक है। फिर से आया एक idiom वाला सवाल यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोंट टॉक टू हिम, ठीक है, ही ऑलवेज रिमेन इन टेम्पर, ये इन टेम्पर है यहाँ पे, ये गलत है, आपको क्या लिखना होगा, इन ए टेम्पर, क्योंकि ये अपने आप में idiomatic है, idiom है, और idiom में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते, इन अ टेम्पर होता है, ठीक है। जैसे इन अ मूड होता है, इन अ डायलेमा होता है ना, इन अ डायलेमा होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड आप नोट कर सकते हैं, idiom नोट कर सकते हैं जिनके साथ ए का यूज़ होता है, जैसे कि अभी इसके पहले वाले में क्या था भाई, इन अ डेंजर नहीं करते हैं, ए को हटा दिए थे लेकिन यहाँ पे ए को लगाए हैं, तो ये है idiomatic, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। हालांकि लास्ट वीडियो के अंत में मैं सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट थे idiom वो लिख दिया हूँ, जाके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। अब देखें यहाँ पे इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट की बात हम करते हैं, एक तो होता है ए मोस्ट होता है जब हम क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं, द मोस्ट की बात हम करें तो कंपरेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं ना, द मोस्ट ए मोस्ट। अब यहाँ पे देखिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रही है, कंपरेटिव डिग्री की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे द मोस्ट, ठीक है, तो हम द यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, इट इज़ अ मोस्ट का यूज़ करेंगे, है ना। इट इज़ द को हटाएंगे आप क्या करेंगे, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो
तो कंपैरिजन के सेंस में होता है ना। द मोस्ट की बात करें कॉम्परेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा क्या करेंगे यहाँ पे मोस्ट का यूज़, कि पहले द का नहीं करेंगे बल्कि ए का करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्परिजन तो वैसे भी देखने से सेंटेंस में नहीं लग रहा है, कहीं पर भी हो रहा है ना। तो रूल आपने यहाँ पर सीखा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। आगे सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल आस्क द गर्ल्स टू रिटर्न टू द होटल बिफोर द सनसेट। अब यहाँ पे भाई कौन सा रूल है, क्या रूल है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे रूल ये कहता है, यहाँ पे रूल ये कहता है कि बिफोर और आफ्टर, ठीक है, बिफोर या आफ्टर के बाद क्या आ जाए, जैसे कि आपका के बाद सनसेट आ जाए, है ना, सनसेट आ जाए या फिर डॉन आ जाए, सनराइज आ जाए, है ना, सनराइज आ जाए, नून आ जाए या नाइट आ जाए। समझिएगा ध्यान से, बिफोर या आफ्टर के बाद सनसेट, डॉन, सनराइज, नून या नाइट, ऐसे कोई भी यहाँ पे वर्ड आपको दिखते हैं तो इसके पहले हम क्या करते हैं, जो इतने सारे जो मैं यहाँ पे वर्ड बताया इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इनके पहले आर्टिकल नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, द को काटना होगा, बिफोर सनसेट होगा, बिफोर द सनसेट नहीं, बिफोर या आफ्टर के बाद सनसेट, डॉन, सनराइज, नून, नाइट हो तो उन वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 12 पे, कि वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसज इन ऑर्डर अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू छूटा हुआ है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वन शुड बी ट्रू वंस प्रोमिसज इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। देखिए कुछ वर्ड आप नोट कर लीजिए, पहले लाइफ हो गया, उसके बाद आप लाइफ के बाद आप मैन यूज़ कर नोट कर ले, मैन हो गया, वुमेन हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, इसका अगर यूज़, इन सभी का यूज की अगर हम बात करें व्यापक अर्थ में हो, ठीक है, व्यापक अर्थ में हो, तो क्या करते हैं भाई, इसके पहले, ठीक है, इसके पहले क्या नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसज इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। देखिए यहाँ पे लाइफ का अगर बात करें तो लाइफ को क्या किया है, व्यापक अर्थ में यूज़ किया गया है। ठीक है, क्या किया, व्यापक अर्थ में यूज़ किया गया है, और व्यापक अर्थ में यूज़ किया गया है तो हम क्या बताएं कि यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, तो रूल आपने यहाँ सीखा। ठीक है, चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, व्यापक अर्थ में मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर। अभी मैंने बताया था ना कि साइंस हो, लाइफ हो, अगर ये व्यापक अर्थ में तो इसके पहले आर्टिकल नहीं होता, लेकिन अगर व्यापक अर्थ में नहीं हो, अगर नॉलेज के सेंस में हो रहा है, ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि बेस्ड ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल पे हो रहा है, तो यहाँ पे साइंस क्या है भाई, यहाँ पे ये व्यापक अर्थ में नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज के सेंस में बात हो रहा है, KNOW, नॉलेज के सेंस में, तो नॉलेज के सेंस में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए साइंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ए साइंस का यूज करेंगे, म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, सेड द म्यूजिक टीचर। ठीक है, रूल ये कहता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स विच ऑरिजिनेट इन द हिमालयाज। ठीक है, आपको पता है कि हिमालयाज जो कि बहुत सारे जो है यहाँ पे माउंटेन हैं, उनका जो मीन्स की मिलकर जो बनाया हिमालय, ठीक है, काफ़ी दूर मीन्स की काफ़ी है, आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, ऊपर का जो जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक पूरे में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे बात ज्योग्राफी का नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है इंग्लिश का, तो हम क्या करें, हिमालय के पहले द का यूज़ करते हैं। उसी तरह रिवर के पहले, रिवर का अगर कोई नाम हो, रिवर का नाम से पहले, ठीक है,
रिवर के नाम के पहले, के नाम के पहले क्या करते हैं, नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के पहले हम क्या करेंगे, द ब्रह्मपुत्र करेंगे। द ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर विच ऑरिजिनेट इन द हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ पीटी दैट द सन ऑफ मिलियनर शुड इंडल्ग इन स्टेलिंग। अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं मिलियनर, यहाँ पे एक वर्ड है, ये है क्या भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्या भाई, ये नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सॉरी अनकाउंटेबल नहीं है बल्कि ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, मिलियनर क्या है भाई, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल के लिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ पिटी दैट द सन ऑफ अ, ठीक है, अ मिलियनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाकर सही होगा, अ मिलियनर शुड इंडल इन स्टोरी। क्लियर। नेक्स्ट है कि ऑल स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन इज वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करें दो एडजेक्टिव का, जब हम बात करें दो एडजेक्टिव का, ठीक है, जब दो एडजेक्टिव का यूज़ एक ही व्यक्ति के लिए, दो एडजेक्टिव का यूज़ एक ही व्यक्ति के लिए हो, ठीक है, दो एडजेक्टिव का यूज़ एक ही व्यक्ति के लिए हो, तो क्या होगा, सिर्फ पहले वाले, ठीक है, ये पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक अ वेरी वाइस, तो ठीक है यहाँ पे तो एक आर्टिकल का यूज़ क्लियर सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे एंड का यूज़ किया गया, इसको आप काटेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, दो एडजेक्टिव का यूज़ एक ही व्यक्ति के लिए हो, तो पहले एडजेक्टिव के पहले ही, सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के पहले क्या होता है, आर्टिकल होता है, सेकंड वाले के पहले नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ पे जितने भी टोटल 16 क्वेश्चन थे, 16 रूल आपने सीखा, आप इसको अपने डेली यूजेस में इंप्लीमेंट करें, जरूर आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपके जो है मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ idioms, idiomatic जो वर्ड हैं, idiom हैं, उन्हें नोट कर लें, जैसे राइट इन पेंसिल, राइट विद अ पेंसिल। ठीक है, जब देख रहे हैं यहाँ पे विद के साथ यूज़ किया गया, तो अ का यूज़ किया गया है ना, राइट विद अ पेन। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, बाई कार, बाई बस, बाइसिकल, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन डेप्थ, इन कन्फ्यूजन, इन डिफ़िकल्टी, इन क्राइसिस, इन ट्रेवल, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक। ठीक है, तो ऐसे में कहीं पे भी अगर कोई आर्टिकल का यूज़ एक्स्ट्रा करा जा रहा है, वो आप नहीं करेंगे, जो पहले से है बस उसी का यूज़।